ये है हमारा रैबिट, ये इसका घर है, इसके लिए खाना। इसकी स्पेशलिटी है कि ये पुदीना बहुत ज्यादा खाता है, जो मिंट होता है पुदीना होता है। और इसका घास है, यही रहता है। लेकिन अगर इसके कमरे में आ जाएं तो ये काटने के लिए दौड़ता है। तो आज जो है हम हिमाचल का फेमस जो स्वीट होती है, ये देखिए पुदीना खा रहा है। सीरा, सीरा कैसे बनाया जाता है वो बनाएंगे, उसका प्रोसीजर बनाऊंगी मैं। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, कम से कम 7-8 दिन लगते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होती है गेहूं, तो वही हम डालने के लिए आए हैं। लेकिन अभी देखिए रैबिट कैसे खा रहा है ये। तो सीरा बनाने के लिए जो कणक यूज होती है, ये हमारा ड्रम है, इसमें हमने स्टोर करके रखी है। यहाँ से निकालेंगे, और ये पैकेट है जो इसमें कीड़े वगैरह लगते हैं उनके लिए है। और ये रैबिट आ गया हमारे पास देखते हुए। और दो सूप जो हमारे यहाँ सूप बोला जाता है चावल को बनाने वाले, डाले हैं भरकर, और दवाइयाँ वापस डाल के इसे बंद कर दूंगी मैं। और ये है गेहूं, जिसे हमारी भाषा में कणक कहा जाता है। ये ज़्यादा है, इसको हम दो बर्तनों में अलग अलग करके भिगोने के लिए डालेंगे। 4 दिन तक इसे भीगने के लिए रखेंगे और 5वें दिन इसको पीस लेंगे। लेकिन 4 दिन जब भीगने के लिए रखेंगे तो रोज इसका पानी जो है चेंज करेंगे, वरना ये सड़ जाएगी। तो मेरी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसका प्रोसीजर 5 दिन का है। 5 दिन की वीडियो बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे सीरा बनाया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये दोनों बाल्टियों में हम आधी आधी करके डालेंगे और पानी से भर कर रख देंगे। और आज इसको ऐसे रहने देंगे, कल सुबह इसका पानी फिर से बदलेंगे ताकि पानी इसमें सड़ ना जाए। और ये है हमारे फड़ी को, कार्तिक, काव्यान, सृष्टि और सृजन जो पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारी गेहूं, जो 5 दिन हो गए इसे पानी में डाले हुए। आप देख सकते हो कितने मोटे मोटे दाने हो गए हैं। ये देखिए आप, अच्छे से फूल गए हैं, नरम हो गए हैं। अब इसे हम मशीन में पीसेंगे, और ये होती है पीसने वाली मशीन। तो अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बने रहिए हमारे साथ, और देखिए कि सीरा कैसे बनाया जाता है। बाहर ले आकर पहले इसका सारा पानी निकाल देंगे, अच्छे से निचोड़ देना है, फिर पीसना शुरू करेंगे हम। ज़्यादा है मम्मी जी, सृजन और कार्तिक, अब जो पीस चुकी है गेहूं उसमें पानी डाल देंगे और उसको नरम होने के लिए मिक्स करेंगे। नहीं नहीं ओरिजिनल टी। हाय, और ये है हमारा रैबिट।
पानी लेके आओ सृजन, यहाँ से निकलेगा असली सीरा। छिलके छिलके अलग करेंगे और जो इसका ये वाइट वाइट पानी है इसको अलग करेंगे, फिर बनेगा सीरा। ये जो सूखा सूखा भी निकाल रहे हैं इसको फिर से पानी में भिगोना है और फिर से इसका वाइट वाइट जो असली गेहूं का रस है वो निकालना है। इसे कहते हैं कूरी, ये खाएगी हमारी गाय। और ये है दो बाल्टियों में सीरा। अब इसे हम ऐसे रखेंगे, जो मोटी मोटी लेयर होगी गेहूं की वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी पानी होगा, उस पानी को निकाल देंगे, फिर जो मोटी मोटी लेयर बचेगी उससे सीरा बनाया जाता है। तो ये सुबह जो हमने सीरा बाल्टी में भर कर रखा था, शाम हो गई है, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अलग हो गया और नीचे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, वो गेहूं है जो इकट्ठी हो गई है। अब हम इस पानी को निकाल देंगे और वो जो बचेगा उसको फिर से निचोड़ने के लिए रख देंगे। दो बाल्टियों में है, दोनों का पानी निकालेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनता है। तो रात के 9:30 हो गए हैं और देखिए सीरा हमारा जो है ज़मीन जो बाल्टी के नीचे नीचे लगा हुआ है, इसको अब हम दुपट्टे में डालेंगे और ओवरनाइट तक इसका पानी निकलने देंगे। लटका कर रखेंगे दुपट्टे को। जो बाल्टी के नीचे लगा हुआ है इसे ऐसे ही रहने देंगे हम रात भर, और सुबह इसको ऐसे ही चुपचाप उठाना है और सूखने के लिए डाल देंगे। और ये दूसरी बाल्टी का सीरा है। तो अब इसको हम लटका देंगे और देखते हैं सुबह तक कैसा होता है। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। तो ये है हमारा सीरा जो हमने रात को बाल्टी में ही रहने दिया था, और आप देख सकते हो कैसे सूख गया है। अब ऐसे ही जो बांध कर रखा है उसको भी ऐसे निकालेंगे पीस पीस में, और कम से कम 5-6 से 6 दिन लग जाएंगे इसको सूखने में। अगर आप भी बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि बिल्कुल सूख जाना चाहिए। अगर ये सूखेगा नहीं और अंदर से गीला रहेगा तो इसमें एकदम से जो घुन होता है, जैसे हमारी भाषा में कूण कहा जाता है, वो लग जाते हैं और आप इसको नहीं खा पाएंगे, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये 1-2 साल तक आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो ये था हमारा सीरा जो अभी बना रहे हैं। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हाँ बोल। अभी तक ये बाल्टी का ही है, दूसरी बाल्टी चली बहुत ज़्यादा उसमें, और फिर जो बांध कर रखा है रात को वो वाला भी है। तो देखते हैं कितना किलो निकलता है ये। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।